निखिल जब दरवाजा बंद कर दो। देखिए आपको हमने लास्ट टर्म पर फ्रेशनल बाई प्रिज्म पढ़ाया था, अब इस फ्रेशनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस की विड्थ का प्रूफ है। विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इन फ्रेशनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेशनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस की विड्थ, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस तो देखिए यहां पर फ्रेशनल बाई प्रिज्म में अभी ये वाला फिगर ना बनाना, ये सिर्फ देख लो, आप देख लो दूसरा फिगर बनाइए। फ्रेशनल बाई प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में आपने ये स्लिट ली, एस फाइन स्लिट एस ली, लाइट बीम एक ऐसे इंसिडेंट हो गई, एक ऐसे लाइट बीम, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। अब यहां पर स्क्रीन एक्स वाई लिया, ये वाली लगभग सीधी नहीं, ऊपर वाली लगभग, ये वाली ऐसे डेविएट करेगी, ये वाली ऐसे डेविएट करेगी, और ये वाली लगभग सीधी होगी, ये वाली लगभग सीधी है। तो पी क्यू के बीच इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब हमने इसको पीछे मिलाया, इसको पीछे, ये एस वन, इसको पीछे मिलाया, इसको पीछे मिलाया, एस वन, एस वन एस टू के बीच की सेपरेशन 2D है, ये मान लिया, और एस वन से फ्रेशनल बाई प्रिज्म की डिस्टेंस है वाई वन, और यहां से ये डिस्टेंस है वाई टू, तो टोटल सेपरेशन हमने डी ले लिया है, y1 प्लस y2, टोटल सेपरेशन हमने d ले लिया है y1 प्लस y2। फ्रिंज पैटर्न हमारा PQ के बीच में बन रहा है, तो और s1 s2 के बीच की सेपरेशन है 2d। अब हम इसी को, इतने को ही लेकर ये फिगर बना रहे हैं जो आपको बना के चलना है। तो यहां पर देखिए S1 S2, इसका सेंटर C, स्क्रीन ये XY, ये XY स्क्रीन, इनके बीच की सेपरेशन है 2D, यहां से ये P है, यहां से ये पी, ये डिस्टेंस एक्स, ये ठीक है। एस वन एस टू के बीच की सेपरेशन 2D, ये सेपरेशन है कैपिटल, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। ये है x, सेंटर से आधा d, सेंटर से आधा d, तो एम पी एम वन की वैल्यू है x माइनस d, पी एम टू की वैल्यू है x प्लस d, x प्लस d, पी एम वन की वैल्यू है
एक्स माइनस डी, पे एम टू की वैल्यू है एक्स प्लस डी, ठीक है, या चाय ले आओ ऊपर से पी एम वन है, तो ये है। तो कॉरेंट सोर्सेस के बीच की सेपरेशन एस वन एस टू आपने टू डी लिया, एस वन एस टू आपने टू डी लिया, जहां पर फ्रिंज बन रही है ओपी आपने एक्स लिया, ओपी को क्या माना एक्स, एम वन पी एक्स माइनस डी है, एम टू पी एक्स प्लस डी है। भाई हमने इस तरह किया कि यहां से लाइट बीम चली और यहां से लाइट बीम चली, एक दूसरे को ओवरलैप किया और इंटरफेरेंस पैटर्न बना, तो फ्रिंज आपकी इस पोजीशन पर बन रही है, ठीक है। अब अगर वो सेम एम्पलीट्यूड में सेम फेज में मिली तो एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे तो वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, अपोजिट फेज में मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड घट जाएंगे तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी, ठीक है। जैसे आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है और दोनों लोगों के से ये फायदा, दोनों बीएससी में पढ़ रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम होती तो आपको उसमें डिस्कस कर लेते पढ़ाई लिखाई, तो ये तो अच्छा हुआ ना आपकी पढ़ाई के लिए, अच्छा हुआ, ठीक है। और एक ऐसी फ्रेंड बन गई जो तुम्हें आए दिन कहती पिक्चर देखने चलो, तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट करती, तो वो तुम्हारा नुकसान हुआ ना। वैसे ही यहां पर फेज है, लाइट रेज जब मिली तो उनके एम्पलीट्यूड ऐड हो गए तो ब्राइट बनेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और जब एम्पलीट्यूड घट जाएंगे तो मिनिमम होगी, तो मिनिमम इंटेंसिटी डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। अब आइए इन ट्रायंगल, तो हमको एस वन पी पाथ चाहिए, एस टू पी पाथ चाहिए, पाथ डिफरेंस पर चलेगा। तो देखिए इन ट्रायंगल एस वन पी एम वन, एस वन पी एम वन, एस वन पी एम वन, हाइपोटेनियस स्क्वायर, एस वन पी का स्क्वायर, पी एम वन स्क्वायर प्लस एस वन एम वन स्क्वायर, एस वन एम वन स्क्वायर, एस वन पी का स्क्वायर, पी एम वन की वैल्यू है एक्स माइनस डी का स्क्वायर, एस वन एम वन की वैल्यू है कैपिटल डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर, एक्स माइनस डी का स्क्वायर प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर, ये रफ कर दें, ये सिर्फ दिखाने के लिए था, एस वन एस टू टू डी, ये कैपिटल डी, और यहीं पे सेंटर मान के सेंटर से पी पोजीशन को ही ले लिया, यहां पे स्क्वायर खोल के नहीं करना है, कैपिटल डी स्क्वायर एस वन पी का होल स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर बाहर लिया वन प्लस एक्स माइनस डी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाया पावर वन बाई टू, तो डी वन बाई टू, पावर वन बाई टू,
अब यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया, यहां पर फिजिक्स में ये बहुत यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स, तो 1/2 लोगे तो 1/2 अंदर आ जाएगा। तो S1P dx - d का स्क्वायर 2d² d को अंदर किया, x - d का स्क्वायर अपॉन 2d, ये S1P। अब S2P के लिए सिमिलरली कर लो, क्यों बेफालतू मेहनत करो, S1P की जगह S2P, और क्या x + d, पेपर में भी यही करना है। हम वो चीज कभी नहीं कराते जो पेपर में आपको ज्यादा करना है, यहां कम करना। तो आपका सेम ट्रायंगुलर वेवे में लगाना है, S1P की जगह S2P कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा x + d। तो S2P d + x + d का स्क्वायर अपॉन 2 x + d का स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा अच्छा ये 2, ये 3, तो हमने x - d की जगह x + d कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि बस अंतर क्या है, ट्रायंगल वो ऐसा ही है, ये इस वाले में था x - d, इस वाले में x + d, ठीक है। तो ये साइड, ये वाली में S1P था, वैसे ही पाथ पे S2P है, तो बिल्कुल वैसा ही ट्रायंगल है। तो आपने S2P डायरेक्ट कर लिया और x - d की जगह x + d कर दिया, ये आ गया। अब निकालिए पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस S2P - S1P, S2P - S1P। तो पाथ डिफरेंस S2P की वैल्यू है d + x + d का स्क्वायर अपॉन 2d, S1P d + x - d का स्क्वायर अपॉन 2d। अब आ गया पाथ डिफरेंस, ये फिगर का काम खत्म है भाई। एक पाथ था S1P, एक पाथ था S2P, इसके
ये फ्रिंज विड्थ का प्रूव है, फिगर हम रफ कर रहे हैं भाई, जगह नहीं फिर बचेगी। अब देखिए पाथ डिफरेंस, डेल्टा पी से दिखा दे रहे, डी प्लस एक्स प्लस डी का स्क्वायर अपॉन टू माइनस डी एक्स माइनस डी का स्क्वायर डी से, डेल्टा पी बराबर वन अपॉन टू डी बाहर एक्स प्लस डी का स्क्वायर डी का स्क्वायर एक्स प्लस डी का स्क्वायर एक्स माइनस डी का। अब एक्स प्लस डी का स्क्वायर खोलिए, डेल्टा पी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू एक्स, तो डेल्टा पी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस डी टू एक्स डी टू एक्स डी फोर एक्स डी अपॉन टू डी, पाथ डिफरेंस डेल्टा पी बराबर फोर एक्स डी अपॉन टू, डेल्टा पी बराबर टू एक्स डी अपॉन टू, ये पाथ डिफरेंस आ गया बच्चों। ये पाथ डिफरेंस आ गया। अरे गौरी अभी नींद आ रही है, चाय पिलाएं क्या? ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब बच्चों जरा ध्यान रखिएगा कि अगर ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, हमने उस कॉन्सेप्ट में लिखा है इंटरफेरेंस में, अगर ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं तो पाथ डिफरेंस जीरो लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा एंड सो ऑन एन लैम्डा है, अगर ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। और अगर डार्क बनेंगी तो लैम्डा बाई टू थ्री लैम्डा बाई टू फाइव लैम्डा बाई टू एंड सो ऑन टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। अगर ये पाथ लोगे तो एन यहां पर जीरो वन टू थ्री एंड सो, और यहां के केस में एन वन से शुरू करो भाई, कोई एक ही तो पहला होगा। तो अगर ये लगाओगे तो सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट, अगर ये लगाओगे तो सेंट्रल फ्रिंज नहीं होगी भाई, क्योंकि सेंट्रल तो एक ही है ना, तो सेंट्रल ब्राइट हो गई, और इस केस में सेंट्रल फिर नहीं भाई। आप जैसे बॉयज जो हैं व्हाइट कलर की शर्ट पहन के आए हैं और गर्ल्स ब्लैक कलर की शर्ट पहन के आए, ठीक है। अब इंट्रेंस हो रहा है, या तो बॉयज पहला होगा या गर्ल्स पहली होगी, कोई एक ही व्यक्ति पहला होगा। वैसे ही पैटर्न होता है कि आपका सेंट्रल है वो आपका ब्राइट है, तो एक ही हुआ ना सेंट्रल, फर्स्ट इधर भी हो जाएगी, इधर साइड चले फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क सेकंड ब्राइट सेकंड डार्क, इधर चले फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क, तो आपका फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ सब ब्राइट डार्क दोनों होंगे, पर सेंट्रल सिर्फ एक होगा। तो जब हम ये लेते हैं तो एन बराबर जीरो हम इसको, और जब ट्रांसमिशन का केस होता है तो सेंट्रल ब्राइट ही बनती है, प्रैक्टिकली है।
और जब रिफ्लेक्शन का केस होता है तो सेंट्रल डार्क बनती, तो उल्टा हो जाता है। तो जब आप जैसे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल करोगे तो बीच में डार्क रिंग बनेगी सर्कुलर, और यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट करोगे तो बीच में ब्राइट बनेगी, फ्रेसनल बाई प्रिज्म का करोगे तो सेंट्रल ब्राइट बनेगी। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकली बता दें। तो ये चीज प्रैक्टिकली है, तो एन बराबर जीरो यहां पर ब्राइट का है, एन बराबर वन से डार्क से। अब देखिए फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, अब किसी एक के लिए ही कर ले रहे हैं, विड्थ तो सबकी बराबर है। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस विल बी जीरो लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, फोर लैम्डा एंड सो ऑन। पाथ डिफरेंस जीरो लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा एंड सो ऑन एन एन। तो डेल्टा पी की वैल्यू है आपकी एन लैम्डा, डेल्टा पी 2xd अपॉन कैपिटल। आप लोगों को बता दे रहे हैं क्योंकि ये बात बिल्कुल फिक्स है कि सेकेंड थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर टफ आना है। ठीक है, पिछले साल भी, और फर्स्ट और सेकेंड तुम्हारा जैसा था उसी पर, और फिफ्थ और सिक्स के अभी, तो ये वाला पेपर टफ ही आना है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। अब जैसे इजी पेपर आता है तो गॉस लॉ का लॉन्ग आ जाए तो इजी है, यही इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल का आ रहा है तो टफ है, डाइपोल आ रहा है तो इजी है, ऐसे ही टॉपिक्स का डिफरेंस है। अब लॉन्ग में एम्पियर सर्किटल लॉ आ जाए तो बहुत इजी है, ठीक है, और टफ पेपर है तो मैग्नेटिक वेक्टर या मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल आए। तो इसलिए आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ये पार्ट भी टफ है। ऑप्टिक्स जो होती है क्योंकि प्रैक्टिकली चीज है, पर इसके सब प्रैक्टिकल है। तो आपको जैसे अभी आज हमने बता दिया कि लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक लेंगे, सिंगल कलर, अगर सिंगल कलर नहीं लोगे, व्हाइट लाइट सोर्स लोगे तो क्या होगा, कलर्ड पैटर्न मिलेगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, फिर ब्राइट डार्क कुछ नहीं। और सिंगल कलर लोगे सोडियम लैंप तो आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस तब दिखेंगे। तो हमेशा इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया जाता है, ठीक है, बिना उसके पैटर्न कलर्ड में भी दिखेगा, फिर ब्राइट डार्क की बात नहीं कर पाओगे क्योंकि वो सब ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो जब जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट सेट किया और सोडियम लैंप पे कर रहे हो तब तो आपको पैटर्न दिखेगा। अब वहां पे सोडियम लैंप पे लगा दो कॉपी और आप रीडिंग लैंप लगा दीजिए तो आपको कलर्ड पैटर्न दिखने लगेगा जब पैटर्न पूरा सेट हो जाए। तो आपको मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेना है। जब लाइट रेस ट्रांसमिट करेंगी तो सेंट्रल ब्राइट बनेगी, आप पैटर्न बना रहे हो बीच में ब्राइट पट्टी बन रही तो पैटर्न आपका सही है, ठीक है, या सर्कुलर बन रहा है तो बीच में सेंट्रल ब्राइट बन रही है। अब आइए बच्चों, ये डेल्टा पी बराबर 2xd अपॉन कैपिटल डी बराबर एन लैम्डा, तो एक्स बराबर एन डी लैम्डा अपॉन टू पी, एन डी लैम्डा अपॉन टू पी, एन डी लैम्डा अपॉन टू पी। आज फ्रेसनल बाई प्रिज्म हो जाएगा, अगले टर्न पे लॉयड सिंगल मिरर, तो ये प्रूफ सेम है दोनों में। आपके सिलेबस में यंग डबल स्लिट नहीं है इसलिए यंग डबल स्लिट नहीं पढ़ाया। देखिए अंशिका, तुम टर्न लॉस क्यों कर रही हो, हम इस बात से बड़ा परेशान है, किसमें व्यस्त, किस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कितने बजे जाती हो? उसको तो तुमको खुद ही माइनर में क्या है, अरे
हिंदी में नोट्स एक नहीं नहीं इजी नोट्स नहीं, अगर मैडम अच्छा पढ़ा रही हैं तो एक वहाँ सहेली अपनी सेट कर दे, वो नोट्स बनाए और तुम्हें दे दे, तुम उसको पढ़ डालना, ठीक है। इजी नोट्स नहीं, बुक ले लो उसको, हाँ लाइब्रेरी से बुक ले। बीच में बनी ये सेंट्रल ब्राइट, मान लो ये सेंट्रल ब्राइट, ठीक। फिर ये बनी डार्क, फिर ब्राइट, फिर 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 डार्क, ठीक है। तो सेंट्रल इधर भी यही है, डार्क को हमने ये ब्लैक लाइन, अब ये सेंट्रल से ये मान लो एनवी पोजीशन, एनएफ है, और इस सेंट्रल से ये एन प्लस वन, इस सेंट्रल से ये एन प्लस वन, ये ब्लैक पट्टी हमने नहीं की, कर दे ब्लैक पट्टी, क्या चल जाएगा? ब्लैक पट्टी है वो जो हमने ऐसे से कर दिया, बिल्कुल डार्क, आप डार्क बनाइएगा, आप हमारे तरह नहीं। तो देखिए पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज एक्स एन बराबर एन डी लैम्डा अपॉन टू, एन डी लैम्डा अपॉन टू, अब पोजीशन ऑफ एन प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ एन प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज, एन प्लस वनथ, तो एन की जगह एन प्लस वन, अब फ्रिंज विड्थ डब्लू की वैल्यू, फ्रिंज विड्थ डब्लू की वैल्यू एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन प्लस वन एथ से घटा लीजिए, तो डब्ल्यू की वैल्यू एन प्लस वन डी लैम्डा अपॉन टू, एन डी लैम्डा अपॉन टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्रिंज विद डब्लू की वैल्यू है डी लैम्डा अपॉन टू, ये फ्रिंज विद डब्लू की वैल्यू, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, रिलेशन
फॉर फ्रिंज विड्थ, अब बच्चों स्लिट के बीच की सेपरेशन निकालनी है, 2D का प्रूफ है, सेपरेशन सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स स्लिट्स ये 2D वाला सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। ऑनलाइन करोगे तो हम तुमको डिटेल दे देंगे, ऑनलाइन कर देंगे। वैभव अपनी फीस जमा करें, ठीक है। गौरी फीस जमा करो, शिवानी, सपना, अंशिका और प्रगति भी जल्दी से फीस जमा करें, ठीक है। देखिए सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट रफ कर दे, ये है आपका फ्रेशनल बाई प्रिज्म। हमने ये सोर्स एस लिया है, अब यहां से लाइट बीम इधर डेविएट करें, डेल्टा डेविएशन इधर डेविएट करी, ये डेल्टा डेविएशन जो मिडिल में गई, ठीक है। अब इसको हमने इधर पीछे लिया तो ये बन रहा है एस डेल्टा एंगल पर, इधर पीछे लिया एस टू, ये डेल्टा एंगल। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इस प्रिज्म का एंगल ये वाला अल्फा है, तो ए बी सी डी फ्रेशनल बाई प्रिज्म है, जिसके द्वारा डेविएशन और ये सेपरेशन है वाई वन, ठीक है। Consider a Fresnel biprism, Fresnel biprism, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। Consider a Fresnel biprism, A B C D, बस इतना लिखिए। अब यहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डेविएशन का प्रूफ फार्मूला है, एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ जाना है,
कॉलेज। अच्छा अच्छा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा की वैल्यू म्यू माइनस वन अल्फा है, ये डेविएशन की वैल्यू। ठीक है, अब यहां टेन डेल्टा ये सेपरेशन डी है, ये सेपरेशन। अब ये याद रखना है म्यू माइनस वन अल्फा। ठीक है, अब आप लीजिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एस एस वन बी में, एस एस वन बी में टेन डेल्टा बराबर परपेंडिकुलर एस एस वन अपॉन एस बी, एस एस वन अपॉन एस बी। एंगल बहुत छोटा है तो टेन डेल्टा की वैल्यू डेल्टा के बराबर है, डेल्टा एस एस वन, एस बी की वैल्यू है वाई वन। एस एस वन किसके बराबर है, डी के, तो डेल्टा बराबर डी अपॉन वाई वन। डी की वैल्यू हो गई डेल्टा वाई वन। डी की वैल्यू हो गई डेल्टा वाई, डेल्टा का मान म्यू माइनस वन अल्फा वाई। टू डी की वैल्यू टू टाइम्स कर दो, हो गया प्लस टू डी बराबर टू म्यू माइनस वन अल्फा वाई, ये प्रूफ बस हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म। This is the required relation for Fresnel by prism. टू डी के लिए This is the required relation for separation between the slits, between the slits. ये separation है slits के बीच 2D का। हाँ चली जाओ, जब तुम college चली जाती हो तो मैथ भी तो छोड़ देती हो। अरे तो तुम बहुत नुकसान कर रही हो अपना, अब ना छोड़ना है हिंदी, हिंदी तो कर ही लोगे। नहीं, हमारा ऑनलाइन ले लेती हूँ, पर ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। देखो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स 2D का प्रूफ है। ठीक है, वो मैथ में जा रही हूं बस समझा दे। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स 2D का प्रूफ है, आगे पढ़ाएंगे नहीं अब। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स 2D का प्रूफ है, कंसीडर किया एक फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म ए बी सी डी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि प्रिज्म है ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म अल्फा है, तो ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, और म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, अल्फा है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रूव है, यहां पे नहीं है, तो ये याद रखना है, नहीं तो आप कहेंगे कैसे आ गया, तो ये लर्न कर लो। डेल्टा बराबर म्यू माइनस वन अल्फा, डेल्टा बराबर म्यू माइनस वन अल्फा। अब इन ट्रायंगल एस एस वन बी में टेन डेल्टा बराबर एस एस वन अपॉन एस बी, एंगल बहुत छोटा है तो उसको टेन को उसके एंगल के बराबर ले देते हैं। तो आपने क्या ले लिया, डेल्टा एस एस वन अपॉन एस बी, एस एस वन एस बी की वैल्यू है वाई वन, तो एस एस वन है डी अपॉन वाई वन, डी बराबर डेल्टा वाई वन।
डेल्टा की वैल्यू रख दिया म्यू माइनस वन अल्फा वाई वन, ठीक है, 2D की वैल्यू 2 म्यू माइनस वन अल्फा, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर सेपरेशन बिटवीन द स्लिप्स, ठीक है, समझ गई गौरी तुम समझ गई, आ गया है? तो ये लर्न रखना है, एंगल बहुत छोटा है इसलिए उसके वैल्यू एंगल के बराबर ले लिया है, एक मिनट।